ए टू जेड सब जानता है, ए टू जेड की पार्टी जो है आरजेडी, वो बिना तेजस्वी का कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता था। फिर सुधाकर सिंह बोल क्यों रहे? नीतीश जी का बोली बोलते, उन्होंने यहाँ तक बोला है तेजस्वी जी समझा लीजिए, ये आपकी पार्टी के लिए और आपके लिए भी सही है। तो सुधाकर सिंह का जवाब पता है क्या है कि 17 साल से आज तक कभी दबे हैं जो दबेंगे, जो बोलना होगा। सुधाकर सिंह से बयानबाजी करवाने से राजद को 2 फायदे। राजद वाला क्या कर रहा है, इक्के बार गाय वाले इंजेक्शन होता ना जानवर वाला, ऐसे भोंक रहा है। तो ये कि तेजस्वी जहाँ समाधान यात्रा में जहाँ नीतीश के साथ दे रहे हैं, वहीं सुधाकर सिंह खुले मन से बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं। सीएम का पद दे सकते थे, दिया नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद अब उपेंद्र कुशवाहा पे भरोसा नहीं करते हैं। पार्टी का कि नहीं, जिस घर में पहले थे वहीं चले जाए, अब वही घर फिर उजाड़ने के लिए तैयार हो गया, तो अब कहां जाएंगे नीतीश? 14 तारीख को जो चूड़ा दही होने वाला है, इस बार बहुत होने वाला है। लेकिन नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गया है। राजनीतिक में हमेशा खरवास को बहुत अहम माना जाता है, और 14 तारीख जो सकारात मनती है, राजनीतिक सकारात कुछ अलग होती है, और जो प्राकृतिक जो हम लोग का चलते आया वो अलग होता है, वो अलग होता है। सुधाकर सिंह एक नेता जो जगदानंद सिंह के बेटे हैं, जो लालू यादव के खासम खास माने जाते हैं जगदानंद सिंह, उनके बेटे बार बार नीतीश कुमार पे कटाक्ष मारते आ रहे हैं। खैर बात तो सही कह रहे हैं, मगर उनकी बात को जेडीयू में चुभ जा रही है। कुछ दिन पहले जब दिल्ली से उपेंद्र कुशवाहा एयरपोर्ट पे उतरे थे, तो मीडिया ने जब सवाल किया उन पे, तो उन्होंने कहा कि हमारा और नीतीश का डीएनए एक है, इसलिए नीतीश पे अगर कोई कुछ बोलता है तो हम उस पे एक्शन लेंगे। सही बात है, क्या एक्शन नहीं हुआ? हाँ, ये सवाल है। तो आखिर सुधाकर सिंह को लेके ये जेडीयू और आरजेडी में चल क्या रहा? देखिये, सुधाकर सिंह एक ऐसा नाम जो मंत्री बना था, ठीक है, और मंत्री बनने के बाद भी कटाक्ष कर रहे थे, उसके बाद वो तेजस्वी उनसे इस्तीफा उनका कबूल कर लेते हैं, उसके बाद बवाल होता है, जगदानंद सिंह 2 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। याद कीजिए कि 2 महीने तक दफ्तर नहीं आया, तेजस्वी हाथ पकड़ के दफ्तर लेके घुसते हैं, वो तस्वीर भी हमने दिखाई थी। अब क्या सुधाकर सिंह की हैसियत इतनी ज्यादा हो गई है कि वो तेजस्वी यादव का नहीं सुन रहे, लालू यादव का नहीं सुन रहे? बात तो है ना भाई, 1-2 महीने से अगर कोई लगातार कटाक्ष कर रहा है, और तेजस्वी यादव जैसा नेता जो अभी उप मुख्यमंत्री है और राजद का भाई लीडर है, उसके बाद लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके बाद ये सब क्यों हो रहा है? देखिए, नीतीश कुमार को बैकफुट पे ला रहे हैं सुधाकर सिंह। देखिए, नीतीश कुमार को सुधाकर सिंह नहीं ला रहे हैं, तो कौन ला रहा है? देखिए, सुधाकर सिंह कैसे ला सकते हैं, आप ही बोलते हैं ना। हाँ। इससे पहले सब बोलता है, ए टू जेड सब जानता है, ए टू जेड की पार्टी जो है आरजेडी, वो बिना तेजस्वी का कोई एक पत्ता नहीं हिल सकता था। फिर सुधाकर सिंह बोल क्यों रहे हैं? आप ये समझिए, ये गेमिंग प्लानिंग है जी, ये गेमिंग प्लानिंग है। नीतीश को सुधारने की जरूरत है। नीतीश कुमार, देखिए एक चीज तो है, देखिए दो सवाल उठता है, क्या सुधाकर सिंह इतना बड़ा नेता, इतनी बड़ी हैसियत वाला कि वो बयान दे और तेजस्वी और लालू छुप रहे हैं? देखिए, अभी कुछ दिन पहले फिर कुछ दिन पहले सुधाकर से अगर मीडिया सवाल किया, जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या आप जो बोल रहे हैं उसको लेकर हो सकता है महागठबंधन टूट जाए, तो सुधाकर सिंह का जवाब पता है क्या है कि 17 साल से आज तक कभी दबे हैं जो दबेंगे, जो बोलना हो बोलेंगे। तो जो बोलना है वो तो बोल ही रहे भाई, खेल समझिए कि जब उपेंद्र कुशवाहा नीतीश जी का बोली बोलते, उन्होंने यहां तक बोला है तेजस्वी जी समझा लीजिए, ये आपकी पार्टी के लिए और आपके लिए भी सही होगा। मतलब ये सीधा वार्निंग था कि भाई अगर आप नहीं समझिएगा तो फिर कुछ हम लोग कर सकते, उसके बाद भी नहीं समझे सुधाकर सिंह। तो ये तो सच है कि सुधाकर सिंह क्यों नहीं समझ रहे, क्या सुधाकर सिंह अपने आप में इतना बड़े नेता हो गए? हमको नहीं लगता है किसी से डरेंगे नहीं। अब जदयू वाले कह रहे हैं कि भाजपा का बोली बोलो, ऑलरेडी भाजपा में थे। देखिए, सुधाकर सिंह से बयानबाजी करवाने से राजद को 2 फायदा, एक तो पल्ला झाड़ लेगी भाई, तो ऑलरेडी भाजपा में था, भाजपा की बोली बोल रहा है। दूसरा, हमको नहीं लगता कि तेजस्वी यादव के बिना चढ़ाए हुए सुधाकर सिंह की इतनी हिमाकत है कि वो नीतीश के खिलाफ रेगुलर बोलते रहे। ललन सिंह ने भी बयान दिया सुधाकर सिंह पे, ललन सिंह ने कहा है कि अपने बड़क बोले नेतो को तेजस्वी अगर नहीं सुधारेंगे तो आगे खेल बिगड़ सकती है। अरे क्या खेल बिगड़ेगा साहब, तेजस्वी यादव को बुझा नहीं रहा है, तेजस्वी यादव समझ रहे अभी भाजपा इनको लेगी,
कभी नहीं, नहीं लेगी तो राजद के बिना इनका चारा कहाँ है। देखिए भाजपा वाला सीधे धीरे 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 स्विच उभाता था, राजद वाला क्या कर रहा है, इक्के बार गाय वाला इंजेक्शन होता ना जानवर वाला, ऐसे भोंक रहा है। ऐसे कोई का ये भाजपा वाले का हिम्मत था कि इतना खुल के बोल दे? कभी नहीं। अगर बोल भी दे तो माफीनामा आता था जी। देश की सबसे बड़ी पार्टी माफी मांगती थी नीतीश जी से। तेजस्वी से मीडिया सवाल करती है कि सुधाकर सिंह को लेकर जेडीयू में काफी तकरार, जेडीयू आरजेडी में तकरार चल रही है, तो तेजस्वी सीधा बोल रहे हैं कि ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद बीमार है। तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह को बलि का बकरा बना रहे हैं जी। आप समझिए कैसे, अगर प्रेशर पॉलिटिक्स में तेजस्वी कामयाब हो गए तो नीतीश जी पे ज्यादा दबाव बनाएंगे, और नीतीश जी ने अगर फाइट बैक करके एकदम सब कंट्रोल कर लिया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, पार्टी से निकाल देंगे सुधाकर को। हाँ। यही होगा ना, विन टू विन सिचुएशन में तेजस्वी रहेंगे। मगर अभी ऐसा लग रहा है कि सुधाकर सिंह को खुला साढ़ की तरह छोड़ दिया गया है, राजनीति लैंग्वेज में बोले तो यही है ना साहब। ये दो महीने से कोई नेता का इतना हैसियत हो, हम जाकर इतना हैसियत हो जाएगा राजद में रखे कि नीतीश कुमार पे सीधा हमला करे, वो भी वहां से वार्निंग आए, उसके बाद तेजस्वी का एक बयान दिखा दीजिए जिसमें कहा कि एक्शन लिया जाएगा। अच्छा ये हम ये कुछ अलग नहीं दिख रहा है, देखिए हर साल चूड़ा दही का कुछ मजा पॉलिटिकल में कुछ अलग होता है। पॉलिटिकल मजा 14 तारीख को जो चूड़ा दही होने वाला है इस बार बहुत होने वाला है। देखिए नीतीश कुमार अब सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह गया है, समझिए नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा है काम। अब तेजस्वी यादव पीछे से बैकडोर से खींच रहे, और तेजस्वी 2017 वाला गलती नहीं करना चाहते कि भाई हमने इनको समर्थन दे दिया, आराम से हम थे, मगर नीतीश जी ने क्या किया, पलटी मार के खेला खत्म कर दिया। अब तेजस्वी शुरू दिन से इनके कोई ना कोई नेता बयान देते आए हैं भाई तेजस्वी पे, सर मुख्यमंत्री पे, नीतीश कुमार पे, सरकार बनी और उसके एक हफ्ते के बाद से नीतीश कुमार को इतना टारगेट भाजपा वालों ने दो साल में नहीं किया था जितना टारगेट ये चार महीने में हो गए। क्या था, आपको याद आता है कि कोई नेता का इतना हिम्मत था कि बोल दे कुछ हो? ये माजरा नहीं समझ में आ रहा है। उधर उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम होने का हक जता रहे हैं कि हम भी डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। तेजस्वी सब सीएम के लिए खेला कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा डिप्टी सीएम बनेंगे लगता है, राजद में नहीं है जी लोग, उपेंद्र की एक सीट खाली है। उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार भी नहीं चाहते कि डिप्टी सीएम बने, बनना होता तो जब उनकी सरकार थी भाजपा के साथ दूगो डिप्टी सीएम था। डिप्टी सीएम में तो कोई संवैधानिक नहीं है कि दूगो रहेगा कि चार गो रहेगा कि छह गो रहेगा, है कुछ ऐसा तो उसी में पार्टी भी लेकर आया था ना, तो डिप्टी सीएम का पद दे सकते थे, दिया नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार खुद अब उपेंद्र कुशवाहा पे भरोसा नहीं करते हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा उनको छोड़कर जा चुके। तो अगर हम आप हमको छोड़ के चले जाइएगा हम दोबारा आपको भरोसा करेंगे उस लेवल का। मगर अब सुधाकर सिंह पे आते हैं, सुधाकर सिंह ने औकात दिखा दिया है जदयू को। देखिए अभी तीन बयान करेंट में बता रहे हैं। देखिए तीन बयान, देखिए ललन सिंह पहले सुधाकर सिंह बयान देते हैं, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के जो नेता है वो उन्होंने कटाक्ष मारा, बोला कि अगर इस चीज को पार्टी नहीं सुधारी तो आगे बड़ी कार्रवाई हो सकती है, तो हम लोग अपना मंथन करेंगे। फिर कल ललन सिंह इस बात को लेके मीडिया से, जब मीडिया ने किया सवाल तो उन्होंने बोला कि अपने बड़क बोले नेता को अगर तेजस्वी नहीं सुधारेंगे तो मेरे सवाल करने से अच्छा आप तेजस्वी सवाल करिए। तो क्या लगता है कि चूड़ा दही का असर देखिए आप इस बार भी दिखेगा? क्या होता है, पहले छोटे नेता से बुलवाया जाता है, फिर उसके बाद बड़े नेता होता है, उसके बाद सबसे टॉप लीडर आता है। उपेंद्र कुशवाहा के बोलने से ही भाजपा शांत हो जाती थी, होती थी ना जी। उपेंद्र कुशवाहा से सुधाकर सिंह नहीं माने, ललन सिंह को आने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब उनके बयान बाद भी सुधाकर सिंह मानेंगे या नहीं मानेंगे, हमना नहीं लगता कि मानेंगे, नहीं मानेंगे। अब इतना सुधाकर सिंह का इतना हिम्मत कि ललन सिंह के बाद नहीं माने, मतलब तेजस्वी का राइट हैंड है, जाओ लड़ो जीतो कर मैदान फैता, अगर हार गए तो तुम्हारा बलि का बकरा बनेगा। अब सोचिए कि तेजस्वी जहां समाधान यात्रा में जहां नीतीश के साथ दे रहे हैं, वहीं सुधाकर सिंह खुले मन से बोल रहे हैं, खुल के बोल रहे हैं कि यहां समाधान यात्रा से अच्छा है कि बैठ के और ये जितना भी अतिक्रमण है, जितना भी ये शराब बिका जा रहा है, खुलेआम क्राइम बढ़ रहा है, उसपे रोक कर पॉलिटिक्स समझिए ना जी मनीष जी, काहे नहीं समझते हैं। तेजस्वी से सवाल होगा तो तेजस्वी तो बोलेंगे हम तो मुख्यमंत्री के साथ हैं। अच्छा ये गेमिंग प्लान नहीं है, अपने बुझा रहा है, हमरा बुझा रहा है, आपको बुझा रहा है, नीतीश जी को नहीं बुझा रहा होगा। देखिए बुझा तो सबको रहा है मगर दिमाग काम करना बंद कर दिया, ठंडा है ना, ठंडा है ना, तो काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा, दिमाग वो काम नहीं कर रहा। आप सोचिए थोड़ा सा घूम रहे हैं तो थोड़ा गर्मी आ रही है, उसी में कोई काला झंडा दिखाकर भाग जा रहा है, तो दिमागवा थोड़ा कंफ्यूज ना हो गया है जी। जदयू वाले कह रहे हैं भाजपा वाले का प्लानिंग है, आप देखिए अब प्लानिंग तो जदयू वाले कह रहे हो भाजपा वाले का प्लानिंग है, यही किसका प्लानिंग है?
अगर वो प्लानिंग भाजपा का है तो सुधाकर सिंह किसका प्लानिंग है भाई? सुधाकर सिंह तेजस्वी यादव की प्लानिंग है, वो भी भाजपा के प्लानिंग है, वो भी भाजपा। अरे दिमागवा, अभी ठंडा में सब काम करना बंद कर दिया। चलिए मान लेते हैं आपका बात, सब भाजपा का खेला जब होगा तो भी कहेगा कि भाजपा किया। 2017 में नीतीश जी क्या किए थे? तेजस्वी को कुर्सी से उतार दिए थे। इस बार कौन उतारेगा कुर्सी से? इस बार देखिए मुख्यमंत्री जी समझ चुके हैं कि जब तक हम है तब तक जेडीयू है, उसके बाद विलय करना। नीतीश जी के बाद कौन चेहरा है जी? तो विलय होगा, पार्टी को विलय करना पड़ेगा। जेडीयू फिर जेडीयू को खत्म करके किसी ना किसी से। एक वो बयान आरसीपी सिंह, इनके भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, इनका बयान नहीं सुने कि कितना विधायक भाजपा के संपर्क में है? खुलेपन से बोले, भाजपा भी चाहती है कि अब जदयू का खात्मा हो और हम सीधा तेजस्वी से लड़े, मतलब राजद से। हमारी सीधी फाइट, सीधी फाइट हो। तेजस्वी भी चाहते हैं कि बहुत दिन झेल लिया, अब नहीं झेलना है। तो तेजस्वी यादव सुधाकर सिंह को एक मोहरा बना के भेजे हैं, जीत गए तो तुम और अच्छा, नहीं हार गए, मतलब सुधाकर सिंह अगर लड़खड़ा गए तो चले गए सुधाकर। क्या आप लोगों को लगता है कि जो चिवड़ा दही का जो 14 तारीख को जो मनने वाला है, जो सकरात मनने वाला है, एक चीज बता दे, अगर 14 तक सुधाकर सिंह एकदम कंट्रोल में नहीं लिए तो 20 तारीख तक सुधाकर सिंह का भाजपा राजद से पत्ता कट जाएगा। राजद से पता कट जाएगा कि जेडीयू कट जाएगा? राजद से कट जाएगा, सुधाकर सिंह राजद के। अरे राजद के भाई, तो जेडीयू का भी पता, अगर मान लीजिए एक्शन नहीं लिए बोलते गए तो जेडीयू अपना दिखेगा, जेडीयू का पत्ता कटेगा, जेडीयू कमजोर हो जाएगी या फिर राजद से निकाल दिया। यहाँ तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अभी तक जब सुधाकर सिंह अभी तक कमजोर नहीं हुए तो आगे भी कमजोर नहीं होंगे। हो सकता है, कैसे हो सकता है भाई? अरे भाई हो सकता है नीतीश, हो सकता है कि 14 को अगर खेला नहीं हो तो 20 तक खेला कर दे जेडीयू को अलग करके, ये हो सकता है। दो ही चीज होगा, या तो ई बल्ली का बकरा बनेंगे या फिर, क्योंकि देखिए अभी नीतीश कुमार क्या बोले कि जब हमारे नेता बीजेपी तोड़ने लगा, बीजेपी का अलग अलग बयान आने लगे तो हमने अपने पार्टी को बिटोरा और पार्टी से बात किया, पार्टी कहा कि नहीं जिस घर में पहले थे वहीं चले जाए, अब वही घर फिर उजाड़ने के लिए तैयार हो गया। तो अब कहां जाएंगे नीतीश कुमार? तो उनको पता होगा अब किस घर में जाएंगे वो, अब ठंड क्या नया घर बनाएंगे क्या? घर में जाएंगे तो कंबलो चाहिए ना, तो भाजपा देगी उतना, राम नहीं देगी भाई, नहीं देगी। तो देखिए आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सुधाकर सिंह के बयानबाजी के पीछे तेजस्वी का हाथ है? अगर लगता है या नहीं भी लगता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए। ज्यादा से और क्या लगता है आपको, सकरात चिवड़ा दही पॉलिटिकल कुछ खेला होगा क्या? अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है खेला होगा, यादव के घर में है तो अगर लगता है कि खेला होगा तो प्लीज जाकर कमेंट्स करके हम लोग कमेंट्स में जरूर बताइए। और नेक्स्ट वीडियो तक हम लोग आपको छोड़ जाते हैं, आपकी कमेंट जो भी आएगी उस पर हम लोग फिर रिएक्शन लेंगे और फिर आपके सामने साझा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।